अलविरा अचार बनाने का तरीका सिखाऊंगा कि इस प्रकार से करना है, इसको काट के या उन्हें पौधे से काटना है, इसको धुलाई करना, 2-3 बार वाश करना है, टब में डाल के इसकी मिट्टी पूरी तरह निकालनी है, फिर इस प्रकार से इसको काटना है, काट के छोटे छोटे पीस काटने हैं और इस प्रकार से इसको फैलाना है उसमें पन्नी में। पन्नी के बाद इसको देखो मैं किस प्रकार से पीस काटा है, मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने इस प्रकार से पीस काटा है। इसमें बाद में हल्दी मिलानी है और हल्दी मिला दिया मैंने। हल्दी के बाद इसमें नमक डालना है, नमक स्वाद अनुसार, स्वाद नहीं अनुसार ज़्यादा ही डालना है, ताकि इसका नमक क्या है पानी के साथ बह जाता है। इसको मिलाना है और इसको फैला देना है पन्नी की मदद से, जो भी आपके पास साधन है, और इसको खुले धूप में रखना है, 2 दिन के लिए धूप में रखना। ज़्यादा भी सुखा दोगे तो क्या है चबाया नहीं जाता, इसको थोड़ा कम उसमें करना है, जिस प्रकार से मैंने ये कर रखा है आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं सुखाना, इस प्रकार से इसको सुखाना है। और इसमें टब में रख के इसको क्लोज करके इसमें स्वाद अनुसार अपना मसाला डालना है, जो पिकल मसाला है, हल्दी नमक जो भी है आपने यहाँ पर डालना है। इसमें मस्टर्ड ऑयल है और नमक है, उस मसाले हैं, उस हिसाब से आपने अपना स्वाद अनुसार क्या है इसमें जायगा डालना है, मतलब जो आपको पसंद है कि किस प्रकार का। मैंने इसमें मैंने आप मसाला पहले भी डाला था, आधा इसको डालूंगा, 250 ग्राम 1 किलो के लिए बहुत होता है, लेकिन मैंने पहले से ही मसाला बचा हुआ था उसको, मसाले को पुराने अचार का मसाला इसमें डाला था, तो उसको मिक्स करके मैं बनाता हूँ। और मैंने इसको जार में पैक कर दिया है, जार में पैक करके इसको क्या है मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगा एक्स्ट्रा। मस्टर्ड ऑयल डाल के क्या है, जितना ऑयल डालोगे अचार कभी ख़राब नहीं होता है, ऑयल में जितना और मस्त अचार बनेगा। थैंक यू।